ऐसे सूट बहुत टाइट है क्योंकि मैं मोटी हो चुकी हूँ और मुझे ये ऑल्टर करवाना है, हमें से सांस भी नहीं लिया जाता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ वन वेलवेट दुपट्टा इन फ्यू डिफरेंट वेज। आपके साथ मैं कुछ स्टाइल शेयर करूंगी कि आप एक सुंदर से वेलवेट के दुपट्टे को कैसे स्टाइल कर सकते हो विद साड़ी, विद लहंगा, विद सूट। तो जो वेलवेट दुपट्टा मैं आपके साथ स्टाइल करने वाली हूँ वो है ये सुंदर सा बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा, जो कि मेरी शादी का दुपट्टा है। एक्चुअली मेरे लहंगे के साथ ही दुपट्टा था, मेरे शादी के लहंगे के साथ दो दुपट्टे थे, एक नेट का जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया होगा किसी ना किसी वीडियो में, और दूसरा था ये ब्यूटीफुल सा वेलवेट दुपट्टा जो कि मैंने एज अ स्टोल कैरी किया था, इसको मैंने अपने सर पे नहीं ओढ़ा था। ठीक है, तो ये बहुत ही रानियों वाली फील आती है जब आप दो तरीके के दुपट्टे कैरी करते हो। वैसे उस टाइम पे ये नया नया ट्रेंड था और आजकल तो हर लहंगा दो दो दुपट्टों के साथ आता है। तो मैं आपको बोलूंगी अगर आपकी शादी विंटर में है ना, तो प्लीज आप एक अच्छा सा वेलवेट दुपट्टा जरूर कैरी करें अपने लहंगे के साथ, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक लगता है और एक रानियों वाला फील आता है। ठीक है, तो ये वाला दुपट्टा आप सर पे ना कैरी करें, इसको आप एज इट कैरी करें और सर के लिए आप एक अच्छा सा लाइट वेट दुपट्टा कैरी कर सकते हैं। अगर आपके पास वेलवेट दुपट्टा नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप इतना हैवी दुपट्टा बनवाएं। आप क्या कर सकते हैं, आप मार्केट जाएं, आप इस तरीके का फैब्रिक ले आए, वेलवेट फैब्रिक। ठीक है, जो विड्थ होती है, जो लेंथ होती है दुपट्टे की, आप उसके अकॉर्डिंगली फैब्रिक खरीद सकते हैं। फिर मार्केट से ही आपको लेस भी मिल जाएगी इस तरीके की, या आजकल दूसरी सीक्वेंस में लेस चल रही है या थोड़ी सी गोटा पट्टी में लेस चल रही है, तो आप वो बाय कर सकते हैं और अपने टेलर को बोलकर आप बॉर्डर पे ना पूरे इसके बॉर्डर पे लेस लगवा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक हो जाएगा। आप बॉर्डर पे लेस लगवाएं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी पैचेस मिलते हैं बूटियों वाले, वो आप लगवा सकते हैं अपने टेलर को बोलकर। मेक श्योर करें कि आपके वेलवेट दुपट्टे की लेंथ अच्छी होनी चाहिए, छोटी विड्थ वाला दुपट्टा इतना अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके का लेंथ और इस तरीके की विड्थ होनी चाहिए, जो चौड़ाई है इतनी तो होनी ही चाहिए, तो ही क्लासी लगेगा, एलिगेंट लगेगा। सो ये थे मेरे टिप्स एट हाउ यू कैन मेक अ वेलवेट दुपट्टा और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। ठीक है, तो मेक श्योर करें प्लीज क्वालिटी वाइज आप ध्यान रखें, क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, चीप क्वालिटी वाली वेलवेट बहुत बेकार लगती है। सो इन्वेस्ट इन अ गुड फैब्रिक आई विल से, एंड एक अच्छी सी लेस के साथ आप दुपट्टा बना सकते हैं। नॉट टॉकिंग टू मच, लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल, अगर अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कौन सा स्टाइल आपका फेवरेट है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टिंग। पहले लुक के लिए मैंने वेयर किया है टर्टल नेक स्वेटर जो कि है न्यूड कलर में, और इस तरीके के बेज कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और इसको मैंने स्टाइल किया है विद माय लहंगा, और फिर मैंने इस पर ऐड किया है पॉप ऑफ कलर जो कि है मेरा हैवी सा सुंदर सा वेलवेट का दुपट्टा। एक्सेसरीज की बात करें तो मैंने एक लॉन्ग नेक पीस स्टाइल किया है और एक चोकर स्टाइल किया है विद नाइस झुमका स्टाइल इयर रिंग्स, और एक छोटू सा मैंने क्लच कैरी किया है जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरे लहंगे और दुपट्टे के साथ, जो कि मैंने जनपथ से खरीदा है। एंड फुल ऑन ये लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारी टर्न आउट हुई है। इस तरीके के जो दुपट्टाज होते हैं ये आपके किसी भी प्लेन आउटफिट में चार चांद लगा देते हैं, एंड लुक हाउ स्टाइलिश दिस लुक हैज टर्न्ड आउट। सो ये था पहला तरीका हाउ यू कैन ड्रेप योर दुपट्टा। सेकंड वे ऑफ ड्रेपिंग योर दुपट्टा इज अराउंड योर शोल्डर्स, आप इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। इस तरीके से ड्रेप करने से आप एक तो कंफर्टेबल फील करोगे, कोजी फील करोगे, एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो लुक शीक एंड एलिगेंट। एंड इस तरीके से आप स्टैक करते हो ना जब अपनी ज्वेलरी, तो और ज्यादा ब्यूटीफुल लुक टर्न आउट होता है। सो ये था हाउ आई स्टाइल दिस दुपट्टा विद लहंगा। नेक्स्ट वे ऑफ स्टाइलिंग दिस दुपट्टा इज विद अ साड़ी। अब मैंने येलो साड़ी पेयर की है, सेम ज्वेलरी रखी है, सेम मैंने टर्टल नेक पहना है, बस मैंने साड़ी चेंज की है। और मैंने येलो इसलिए चूज़ किया क्योंकि इस साड़ी के अंदर एक तो ग्रीन कलर का काम हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल सिल्क फैब्रिक में ये साड़ी है। दिस इज़ द मोस्ट स्टाइलिश वे टू कैरी अ साड़ी विद दुपट्टा, और बहुत स्टाइलिश लगता है, बहुत एलिगेंट एंड क्लासी लुक होता है। और गाइस सच बता रही हूँ, आप कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा साड़ी से पेयर करते हो ना, लुक ही बिल्कुल ज़बरदस्त टर्न आउट होती है। नेक्स्ट वे जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है इस तरीके से आप ड्रेप कर सकते हैं अपने दुपट्टे को, हैवी दुपट्टे को। जो साड़ी का पल्लू है वो आपको अपने एक शोल्डर पे रखना है, और जहाँ पर आप प्लीट्स बनाते हो ना, बस वहाँ पर आपको दुपट्टे को टक कर लेना है और आपको ड्रेप करना है जैसे हम साड़ी का पल्लू नॉर्मली वेयर करते हैं। बहुत ही ईजी वे ऑफ स्टाइलिंग है। डू लेट मी नो अगर आप इस तरीके की स्टाइलिंग देख रही हो, देखना चाहते हो, मैं ज़रूर बनाऊँगी एक डिफरेंट वीडियो। इस तरीके से जब आप साड़ी को स्टाइल करते हो ना, डिफरेंट लुक आ जाता है, ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है और एक डिज़ाइनर लुक आ जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस वेडिंग सीजन ना ये वाली लुक ज़रूर ट्राई करना, एंड ट्रस्ट मी
आपको भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। ओके गाइस, अब मैं दिखाऊंगी कि आप एक प्लेन सूट के साथ कैसे स्टाइल कर सकते हो इस हैवी दुपट्टे को। ये सूट बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर ये मुझको टाइट हो चुका है, मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। तो ये दोनों ही कलर्स एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रीन फैमिली से, एक है लाइट एक है डार्क, और ये सिल्क फैब्रिक में है तो बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दुपट्टे को। और मैंने इसके साथ वेयर किया है चोकर सेट, लो बन किया है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक लुक है, बट ट्रस्ट मी बहुत ही appropriate look है for बारात function या किसी भी wedding के लिए या party के लिए। अगर आपका suit थोड़ा light है ना, कोई काम नहीं हुआ, तो आप इस तरीके से भी दुपट्टे को style कर सकते हो, जैसे मैंने रखा हुआ है दुपट्टा। बस सेफ्टी पिन से सिक्योर ज़रूर कर लेना, वरना गिरता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन लिया है वो है पिंक एंड ग्रीन, और पिंक एंड ग्रीन भी बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। ये लाइट वेट सूट है, इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। ये कुर्ता मैंने लिया था मिंत्रा से, और इसको मैंने स्टाइल किया है विद माई धोती पैंट्स, और ये बहुत अच्छी लगती हैं इस तरीके की पैंट्स का, बहुत स्टाइलिश लुक है। अगेन द पैंट्स बिलोंग टू द सेम फैमिली, पिंक फैमिली, पर डार्क पिंक है, और ग्रीन एंड पिंक बहुत अच्छा लगता है। और मैंने सर पर एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक का दुपट्टा ओढ़ा है, और इस तरीके से मैंने दुपट्टे को, मतलब वेलवेट दुपट्टे को स्टाइल किया है अपने आर्म्स के अराउंड, और बहुत ही अच्छा लुक टर्न आउट हुआ है गाइस। तो आप दो दो दुपट्टों को भी कैरी कर सकते हो एट द सेम टाइम, एक आप सर पे ओढ़ लीजिए और आप एक अपने शोल्डर पे ओढ़ सकते हैं या रैप कर सकते हैं। और गजरा लगाया है इस लुक के लिए, एंड लुक बहुत ही मिनिमलिस्टिक है बट बहुत ही सोबर है। ओके नाउ हाउ कैन आई फॉरगेट दिस कॉम्बिनेशन, रेड एंड ग्रीन, दिस इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट कॉम्बिनेशन। और ये सूट भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये प्योर सिल्क में सूट है, और वैसे इसके साथ ब्लू पैंट्स हैं बट मैंने ग्रीन पहनी है, और ग्रीन एंड रेड लुक्स वेरी वेरी नाइस। अगेन मेरा सूट थोड़ा सा हैवी है बट बहुत अच्छे से मैच कर रहा है मेरा दुपट्टा, क्योंकि जो इस सूट के ऊपर काम हुआ है ना, वो मेरे दुपट्टे के साथ बहुत अच्छे से मैच करता है। और मैंने एक बड़ी सी बिंदी लगाई है, एक सोबर सी लुक टर्न आउट हो गई है गाइस, एक सुंदर से इयररिंग्स पहनकर। तो या कौन सा स्टाइल आपका फेवरेट है मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना, इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन गाइस विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।